नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार बारह का सवाल है क्वेश्चन से फोर पॉइंट चार्जेस माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल माइनस क्यू टू स्मॉल क्यू एंड टू कैपिटल क्यू आर प्लेस एट वन एट वन ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर सवाल ये फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी इक्वल टू जीरो हमारे को चार ऑप्शन दे रखे हैं ना बहुत सिंपल सवाल है सिनेरियो ये है कि आपका एक स्क्वायर कॉन्फिग्रेशन है और स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन पे आपके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं ये वाला माइनस क्यू है ये माइनस क्यू ये टू स्मॉल क्यू ये फिर टू कैपिटल क्यू प्लस में तो ये चार आपके कॉर्नर्स पे आ, आपके चार्जेस रखे हुए हैं हमारा सवाल ये है कि हमें सेंटर पे पोटेंशियल ज़ीरो होए इस uh, इसके लिए क्यू और माइनस क्यू में रिलेशन बताना है बहुत सिंपल सवाल है अपने को पता है कि वी की वैल्यू के क्यू बाय आर होती है वेर क्यू इज़ द चार्ज एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो अगर ये मान लीजिए स्क्वायर है जिसकी साइड ए है तो यहाँ सेंटर पे आपका जो डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट का ए बाय रूट टू होएगा ये वाला डिस्टेंस जो भी है जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेते हैं उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे सो पोटेंशियल वेट नेट पोटेंशियल यहाँ पे आएगा इस चार्ज की वजह से के माइनस क्यू डिवाइडेड ए बाय रूट टू प्लस इस चार्ज की वजह से के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू प्लस इस चार्ज की वजह से के टू क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू प्लस इस चार्ज की वजह से के टू क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू और इसको हमने इक्वल टू जीरो करना है नाउ ए बाय रूट टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा के आपका कैंसिल हो जाएगा सो इसका मतलब ये हो गया माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस नहीं प्लस टू क्यू प्लस टू कैपिटल क्यू इक्वल टू जीरो सो so, एक माइनस क्यू ये क्यू बन जाएगा ये क्यू बन जाएगा विच एम्प्लायज क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो विच एम्प्लायज क्यू विल बी इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू सो दैट विल बी अ राइट आंसर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू वुड बी द करेक्ट चॉइस